हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम चवी। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी के ये नए पैलेट्स। ये काफी टाइम पहले मार्केट में आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा लेट हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन आज आपके साथ इनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। इनके पहले भी बहुत सारे कलर्स जो है वो लॉन्च हुए थे, 6 शेड्स इसमें लॉन्च हुए थे, जिनमें से 2 शेड्स मेरे पास हैं। इनका रिव्यू ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियोज देखनी है, इनके बारे में जानना है जो पहले शेड्स लॉन्च हुए थे, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लस मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो शेड है ना, ये वाला, इसके साथ मैंने एक ब्राइडल लुक भी क्रिएट किया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं कि किस तरह का लुक जो है वो इनसे क्रिएट होता है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर के चेकआउट कर लेना। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे रेड कलर का बटन है, उसको हिट करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल बटन को हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके फोन के ऊपर आ जाए। प्लस अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर देना, जो भी आपका मन करे वो आप कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये वाले पैलेट के साथ। पहले जो शेड्स आए थे वो 6 आए थे, इसके बाद जो आई हैं वो 7 और 8 आई हैं। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ये 7 है, उल्टा दिखेगा कैमरा की वजह से, ये 8 है, ठीक है। तो पहले मैं बात करती हूँ 7 की, क्योंकि सीरियल ऑर्डर में चलना मुझे अच्छा लगता है। तो 7 में बात करूं तो ये सारे शिमरी शेड्स हैं, आपको मिलते हैं, ठीक है जी। और ये सारे कलर्स जो है वो काफी कलरफुल हैं, आप इनके साथ काफी सारे जो है लुक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। इसमें सिर्फ एक शेड है ब्राउन, इसके साथ आप मैट है, जो कि बताना मैं ये चाहती हूँ कि ये मैट है, सिर्फ एक ही शेड है जो मैट है, एंड बाकी सारे शेड्स जो है वो शिमरी हैं। ब्लैक तो काफी ज्यादा शिमरी शेड है और बहुत सुंदर शेड है, काफी पिगमेंटेशन इसकी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके साथ आप स्मोकी भी क्रिएट कर सकते हो और कलरफुल भी क्रिएट कर सकते हो। बाकी सारे कलर जो है वो काफी ज्यादा पिगमेंटेड है। तो ये है फर्स्ट पैलेट जिसमें सिर्फ एक शेड मैट है, बाकी सारे शेड जो है वो शिमरी है। काफी ब्यूटीफुल शेड्स बाई द वे मुझे ये लग रहे हैं। ये जो शेड है आप इनके साथ ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें मैट कम है, ठीक है। तो आपको दोनों, अगर आप दोनों ले लेते हो ना, तो आपके साथ बहुत आपको कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन जो है वो आप यहां से यूज कर सकते हो और शिमरी शेड यहां से। अगर आप सिंगल कलर लवर हो तो आपको ये बहुत अच्छी लगने वाली है, बिगिनर हो तो भी बहुत अच्छी लगने वाली है। अगर आप प्रोफेशनल भी हो तो भी आप इन पैलेट्स को यूज कर सकते हो। मैंने ऐसी बात बहुत कम बोलती हूँ, बट यस, आप यूज कर सकते हो। इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, काफी लॉन्ग लास्ट करते हैं ये वाले आपके आईलिड्स के ऊपर, काफी देर तक टिक जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इनके साथ। मैंने जो ब्राइडल लुक क्रिएट किया था, मैंने कम से कम 8 घंटे तक उस मेकअप को वियर करके रखा था, और एक और जो मैंने किया था पिंक वाला मैं यहां दिखा रही हूं, ये मैंने 8 घंटे तक कम से कम वियर किया था, और ये वाले कलर के साथ किया था। ये बाकी भी मैंने ये वाले यूज किए थे इसमें से, और ये काफी टाइम तक टिके रहे और कहीं नहीं, एक टस से मस नहीं हुआ था कहीं से भी मेरा कलर। क्योंकि आप सेटिंग स्प्रे वगैरह यूज करते हो तो उनसे ये कलर्स जो है वो कहीं नहीं जाते हैं। मुझे कई लोग पूछते हैं स्विस ब्यूटी से ब्राइडल मेकअप हो सकते हैं, तो मैंने इसीलिए ये वाला भी क्रिएट करके दिखाया था ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि वाकई में इनसे क्रिएट किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि हम बहुत हाई एंड पैलेट यूज करें तो ही होता है, अगर आपको सस्ते में अच्छी चीज मिल रही है तो आप यूज कर सकते हो। तो ये वही है, वैसा ही कुछ पैलेट है, आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस पैलेट की, दिस इज शेड नंबर 08 गाइज। इसमें भी आपको ब्राउन शेड जो है मिल जाता है, जो कि काफी हद तक मिलता जुलता है हमारी शेड नंबर 7 से। मैं आपको दिखाती हूँ काफी हद तक, क्या मेरे को सेम ही लग रहा है, थोड़ा सा फर्क होगा, हल्का सा फर्क है, बहुत हल्का सा फर्क है, दोनों में सेम ही है। इसके साथ क्या है ना कि आप अपने ब्राउज को फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अलग से ब्राउ प्रोडक्ट नहीं है तो आप अपने ब्राउज फिल कर सकते हो, ठीक है। वो शेड तो था, वो शिमरी था, ओके। एक चीज आप और कर सकते हो ये वाले पैलेट से, आप इससे अपने हाइलाइटर को भी लगा सकते हो, अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो ये वाले शेड के साथ। अगर कहीं भी आपको हाईलाइटिंग करनी है और आपको सूट कर रहा है ये वाला शेड, तो आप डेफिनेटली जाकर, सूट करने का मतलब है अगर आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो वैसा है कि ये शेड आपके ऊपर जा रहा है, तो आप डेफिनेटली इसको एज अ हाइलाइटर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं, इसमें आपको जो है वो काफी अच्छे शेड्स मिल रहे हैं, पिंक है, पर्पल है, नेवी ब्लू शेड है, उसमें आपको नेवी ब्लू का शिमरी शेड मिल रहा था, इसमें आपको मैट मिल रहा है,
दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ भी आप एक लुक जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ना कि इन पैलेट से मैं कोई लुक क्रिएट करूं तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा कमेंट सेक्शन में किस तरह का लुक आप चाहते हो, स्मोकी चाहते हो, कलरफुल चाहते हो, जिस तरह का आप चाहते हो मैं नीचे आपको क्रिएट जरूर करके दिखाऊंगी। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी सबकी वीडियोस मैं जरूर जो है वो क्रिएट कर दूंगी इन पैलेट्स के साथ, ठीक है। तो इसमें आपको जो है वो नेवी ब्लू मिल रहा है, मैंने आपको बताया, ये जो है वो बर्नट ऑरेंज कलर है, ये कुछ पैरेट ग्रीन कलर है, उसके बाद ये बेरी शेड है, बहुत सुंदर शेड है, उसके बाद ये ऑरेंजी ब्राउनिश शेड है, बहुत सुंदर है, इसके साथ मैंने आपको बता दिया ये आपकी ट्रांजिशन की तरह काम आएगा, ट्रांजिशन शेड की तरह काम आएगा। उसके बाद इसको अगर आप थोड़ा सा लाइट करना चाहते हो तो ये शेड आपके काम आ जाता है। ये शेड लोगों को पसंद नहीं आता कई बार पैलेट्स में, बट मुझे ये काफी अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप अपने आईज के साथ काम कर रहे होते हो ना तो कहीं ना कहीं आपके से कलर जो है वो ज्यादा अप्लाई हो जाता है। इसके साथ आप उस कलर को टोन डाउन कर सकते हो या फिर आप अपनी लिड्स को सेट कर सकते हो। अगर आप आपके पास अलग से कोई सेटिंग पाउडर नहीं है आईज के लिए तो आप इनको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं ये बने ही लिड्स के लिए होते हैं, आई शेडोज हैं। तो अगर इस तरह का शेड आपको लिड्स को सेट करने के लिए मिल रहा है तो ये काफी अच्छा होता है, क्योंकि ये आपकी लिड्स को काफी अच्छे से सेट कर देता है। प्लस आप हाईलाइट कर सकते हो, मैं आपको करके दिखाती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये काफी अच्छे से हाईलाइट जो है वो कर देता है। लुक एट दिस, काफी अच्छे से ये चीजें जो है ना काम आती हैं। अगर आपको यूज करना आना चाहिए कि आप इनको यूज कैसे करते हो तो बाकी अपनी अपनी मर्जी होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है, पसंद होती है कि आपको ये अच्छा लग रहा है नहीं, बट मेरे लिए ये काफी हेल्पफुल साबित होता है। सो इसमें जो है ना वो आपको मैं बता दूं आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हो, बाकी तो सारे आई शेडो पैलेट्स की तरह आप इसको यूज कर, आई शेडो कलर्स की तरह इसको यूज कर सकते हो, बट ये जो शेड है ऑरेंज शेड, इसको आप एक एज अ ब्लश यूज कर सकते हो, इसको भी एज अ ब्लश यूज कर सकते हो। तो इस तरह के शेड्स, इसको भी हल्का सा आप तो बहुत कम सा लेके अपने चीक्स पे जो है वो यूज कर सकते हो। पिगमेंटेड बहुत ज्यादा है, ब्लेंड बहुत इजीली होते हैं इस रेंज की। ये जो सारे मेरे पास जो शेड्स है ना, ये वाला ठीक है, ये वाला, इनकी सबसे बड़ी खूबी है ये ब्लेंड बहुत अच्छे से होते हैं सारे के सारे कलर्स। आई शेडो की सबसे बड़ी बात ही यही होती है, अगर वो ब्लेंड नहीं हो रहे ना अच्छे से तो उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक जो आर्टिस्ट होता है ना उसको चीजें ऐसी चाहिए होती है जो उसके साथ हेल्प करे। अगर यही हेल्प नहीं करेगा, एक जगह टिक के रह जाएगा, वो आर्टिस्ट क्या होता है ना, वो खिंच जाता है, अपने काम से कुछ नहीं होता। तो इसके साथ काम करते मुझे बड़ी खुशी होती है। ये वाले कलर के साथ जब मैंने काम किया था मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, मेरा जो लुक था काफी सुंदर जो था वो बन गया था। इतना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जितना ज्यादा सुंदर वो आ गया था, क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी थी। ठीक है, मुझे सस्ते में वो वाला लुक जो था वो क्रिएट करना था, बट इसने तो मतलब bomb.com इतनी पिगमेंटेशन दी कि मेरा लुक जो था वो मतलब बॉम्ब बन गया था, इतना अच्छा मेरा जो लुक था वो क्रिएट हुआ था। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। सो उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी एमआरपी। इसकी एमआरपी है 229 रुपीज हर एक साइट के ऊपर, पर्पल पे देख लो, अमेजोन पे देख लो, फ्लिपकार्ट पे देख लो, मिंत्रा पे देख लो, आई थिंक मिंत्रा भी अवेलेबल नहीं है अब तो, नायका पे भी स्विस ब्यूटी आपको अवेलेबल है, तो इतना अच्छा ब्रांड ये बन चुका है तो आप वहां से भी इसको ले सकते हो, आपको इजीली ये मिल जाएंगी। सब पर आपको एमआरपी जो है वो 229 की ही मिलती है, लेकिन अगर आप इनको किसी फेस्टिव सीजन में या कुछ इस तरह में सेल वगैरह में लेते हो तो आपको 200 में ये इजीली जो है वो मिल जाती हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं कुछ बोलना भूल गई हूँ ना, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए कि मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, मैं सब कुछ बोल गया मेरे ख्याल से, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कुछ और पूछना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। प्लस मुझे ये जरूर बताएगा कि आपको इन दोनों में से सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी लगी है, और या फिर अगर आप इनके अलावा इसकी रेंज में आपको कोई और पैलेट आपके पास है 126 शेड में से जो पहले लॉन्च हुई थी, तो आपको कैसी लगती है, आपके पास कौन सा शेड है, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में, मुझे बेहद खुशी होगी। प्लस ये जरूर बताइएगा कौन सी पैलेट के साथ जो मैं है लुक जो है वो क्रिएट करूं, किस तरह का करूं वो जरूर बताइएगा। और दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, नीचे रेड कलर का बटन है, और शेयर जरूर कर देना। ये वीडियो ऐसी है ना कि ये सबके लिए हेल्पफुल होती है, जो लोग घर पे मेकअप करना चाहते हैं लॉकडाउन की वजह से कहीं नहीं जा पा रहे हैं या उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है घर पे वो मेकअप करना चाहते हैं, तो इन चीजों को ये अफोर्डेबल है और अच्छी है, तो अगर उनकी हेल्प हो सकती है तो आप घर बैठे उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो थोड़ी बहुत शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है कहीं से कहीं और चली जाए वीडियो जहां पे वो काम आ जाए, तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड ऑल्सो लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगे डिसलाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं लगे तो बेल बटन को हिट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, वहां पर मैं अपनी पर्सनल अपडेट भी करती रहती हूँ। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय, लव यू ऑल।